नमस्कार, मैं इम्तियाज अंसारी। हरी झंडी दिखाकर किया विकसित भारत संकल्प यात्रा वाहन को रवाना। शपथ लेकर विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभ आरंभ। जिले के विभिन्न प्रखंडों में योजनाओं को लेकर चलेगी जागरूकता अभियान। भारत सरकार के विभिन्न योजनाओं को आम जनों तक पहुंचाने एवं इन योजनाओं के लाभ संभावित लाभुकों को देते हुए 100% अच्छा दान प्राप्त करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा दिनांक 7 दिसंबर 2023 से 26 जनवरी 2024 तक विकसित झारखंड संकल्प यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इसके निमित्त गढ़वा जिला अंतर्गत विकसित भारत संकल्प यात्रा 2 प्रचार वाहन के साथ शुरू किया जाना है, जिसमें प्रथम वाहन से दिनांक 7 दिसंबर 2023 से आरंभ किया जाएगा। यह यात्रा जिले के सभी पंचायत में किया जाना है। भारत सरकार एवं राज्य सरकार के सहयोग से चल रही योजनाओं तथा स्वच्छता अभियान, आवश्यक वित्तीय सेवाएं, गैस कनेक्शन, गरीबों का आवास, भोजन, पोषण, स्वास्थ्य, पेयजल एवं शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं का प्रचार प्रसार लाभुकों एवं ग्रामीणों के बीच जागरूकता का कार्य करते हुए किया जाना है। आम जनों में उक्त योजनाओं की जानकारी एवं उनसे लाभान्वित होने के उद्देश्य से समाहरणालय परिसर से उप विकास आयुक्त राजेश कुमार राय व अध्यक्ष जिला परिषद गढ़वा शांति देवी ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर प्रचार रथ को जिले के विभिन्न क्षेत्रों में प्रचार प्रसार हेतु रवाना किया। साथ ही मौके पर उपस्थित पदाधिकारियों व कर्मियों के बीच हमारा संकल्प विकसित भारत को लेकर शपथ ज्ञापन कराया गया, जिसमें शपथ लेते हुए कहा गया कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे, गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, देश की समृद्धि विकास विरासत पर गर्व करेंगे, भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे तथा नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। उक्त कार्यक्रम को सफल क्रियान्वयन हेतु जिला प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर पदाधिकारियों को नियुक्त करते हुए उनके दायित्व को सुनिश्चित किए गए हैं। इस संकल्प यात्रा में मुख्य रूप से फ्लैगशिप स्कीम्स फॉर रूरल अवेयरनेस के अंतर्गत 17 कल्याणकारी योजनाओं पर केंद्रित करते हुए प्रचार प्रसार कराया जाना है। इसके अंतर्गत मुख्यतः आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, पीएम गरीब कल्याण योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, पीएम आवास योजना, पीएम उज्ज्वला योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना, पीएम किसान सम्मान योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, पीएम सोशल अभियान, हर घर जल नल जीवन मिशन, जन धन योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, पीएम एवं नैनो फर्टिलाइजर है। इसके अतिरिक्त स्कीम्स फॉर अर्बन अनेवरनेस के अंतर्गत पीएम आवास निधि, पीएम विश्वकर्मा, पीएम उज्ज्वला, पीएम मुद्रा लोन, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया, आयुष्मान भारत, पीएम आवास योजना, स्वच्छ भारत अभियान, पीएम ई बस सेवा, पीएम भारतीय जन औषधि परियोजना, उज्ज्वला योजना, डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, खेलो इंडिया, RCS युडन, वंदे मातरम ट्रेन और अमृत भारत स्टेशन स्कीम, ट्रांसपोर्टेशन, अटल मिशन फॉर रिजुवेशन एंड अर्बन सौभाग्य योजना आदि है। साथ ही जनजातीय जिलों एवं प्रखंडों के अंतर्गत अतिरिक्त फोक्स स्कीम पर भी विशेष फोकस किया जाना है। इसके अंतर्गत स्किल केल सेल एनीमिया एनिमेशन मिशन, इनरोलमेंट एवं इक्लॉय मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, स्कॉलरशिप स्कीम, फॉरेस्ट राइट ट्रायल्स एवं धन वन धन विकास केंद्र आदि है। विदित हो कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन गढ़वा जिले में दिनांक 7 दिसंबर 2023 से 26 दिसंबर 2024 तक किया जाना है। इसके तहत गढ़वा जिले के विभिन्न प्रखंडों में प्रचार प्रसार करने हेतु 2 वाहनों की उपलब्धता कराई गई है। वर्तमान में वाहन संख्या WB39B1859 द्वारा दिनांक 7 दिसंबर 2023 से 13 दिसंबर 2023 तक मिराल प्रखंड में प्रचार प्रसार कराया जाएगा।
13 दिसंबर 2023 से 15 दिसंबर 2023 तक किनिया प्रखंड में, 16 दिसंबर 2023 से 20 दिसंबर 2023 तक रंका प्रखंड में, 20 दिसंबर 2023 से 21 दिसंबर 2023 तक बड़गढ़ प्रखंड में, 22 दिसंबर 2023 से 23 दिसंबर 2023 तक भंडरिया प्रखंड में, 24 दिसंबर 2023 से 28 दिसंबर 2023 तक रमकंडा प्रखंड में, 28 दिसंबर 2023 से 29 दिसंबर 2023 तक डंडा प्रखंड में, 29 दिसंबर 2023 से 7 जनवरी 2024 के बीच गढ़वा, 7 जनवरी 2024 से 10 जनवरी 2024 के बीच ढोरकी, 10 जनवरी 2024 से 13 जनवरी 2024 के बीच डंडई, 13 जनवरी 2024 से 17 जनवरी 2024 मंचियाओं, 17 जनवरी 2024 से 19 जनवरी 2024 भरडीहा, 19 जनवरी 2024 से 24 जनवरी 2024 कांडी तथा 24 जनवरी 2024 से 26 जनवरी 2024 तक केतार प्रखंड में वाहन के माध्यम से योजनाओं का प्रचार प्रसार कर आमजनों को जागरूक करने का कार्य किया जाएगा। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डेली न्यूज, सबसे पहले सबसे तेज। नमस्कार।